लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के लिए ड्रोन इकोसिस्टम पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। ये हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 हिंदुस्तान भर में पहला राज्य बना है इस प्रकार की पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश। इसके कारण जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एचपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एचपी स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम, नेशनल की स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विद्यार्थियों को और आम जनता को सशक्त करने के लिए जो है वो फ्यूचर में ये ड्रोन पॉलिसी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके कारण जो है वो नए रोजगार के अवसर ड्रोन पॉलिसी के कारण जो है वो अवेलेबल होंगे और इसमें जो है वो नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक पॉलिसी का निर्माण किया है। अभी तक इसमें 5-6 प्रदेश हैं जो काम कर रहे हैं पॉलिसी बनाने की दिशा में, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है और इसके लिए केंद्र सरकार के ओर से जो है वो इसकी पहले ही एप्रिसिएशन हो चुकी है। इसी प्रकार से एक और निर्णय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी प्रदान की है। जिस लॉजिस्टिक्स जिससे स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में हो और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में पॉलिसी और मॉनिटरिंग जो है इसकी इसको प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाएगी। मंत्रिमंडल ने जो है वो इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए इसमें जो है वो अट्रैक्ट किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट हो और उससे जो हमारी बहुत सारे क्षेत्रों में खास करके जो है वो जो हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो है, फिर हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, इंटेग्रेटेड कोल्ड चेन्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, हमारे जो हैं वो ट्रक टर्मिनल्स हैं, एयर कार्गो फैसिलिटीज हैं और क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं, इंटेग्रेटेड कोल्ड चेन है, इन सब को जो है वो इस लॉजिस्टिक पॉलिसी से जो है वो मजबूती मिलेगी और प्रदेश में जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जो है इसे अट्रैक्ट हो। मंत्रिमंडल ने आज एक निर्णय में माइनिंग इंस्पेक्टर्स के 12 पद, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 पद और माइनिंग गार्ड्स के 24 पद जो है वो इनको मंजूरी प्रदान की है जो भरे जाएंगे, क्योंकि खनन के क्षेत्र में जो है वो
अवैध खनन को रोकने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें लगभग जो है वो 60 नए जो हैं वो लोग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, गार्ड्स के रूप में भर्ती किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में अवैध खनन को रोका जा सके। इसी प्रकार से जो है वो मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट कॉलेज नौराधार सिरमौर में जो है वो खोला है, उसके लिए 16 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में पालियों, अम्बवारा, सैनवाला, काला अम्ब, देवनी और नगल सुकेती, इनमें जो पटवार सर्कल्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज करके जो है वो त्रिलोकपुर, बोगीनंद, बमन, बर्म, पापड़ी, नहान तहसील में जो है ये सिरमौर जिला में इनको जो है नए पटवार सर्कल्स को क्रिएट किया है। मंत्रिमंडल ने जो है वो जो एग्जिस्टिंग पटवार सर्कल हैं हाटी और मलहंता, जो सब तहसील कांगड़ा जिला में है, यहां पर भी जो है वो नए पटवार सर्कल जो है वो नंगल तो जो है वो क्रिएट किया है। मंत्रिमंडल ने बाबा बड़ो में HRTC का डिपो जो है वो बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन जो है वो लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर जो है वो देने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो निहरी मंडी जिला में और जरी कुल्लू जिला में यहां पर नई फायर पोस्ट, फायर की चौकियां जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। 2 नए फायर सब स्टेशन, एक उदयपुर लाहौल स्पीति में और दूसरा जो है वो चंबा जिला के किलाड़ में, रिमोट एरियाज दोनों ट्राइबल एरियाज, वहां पर जो 2 नए सब स्टेशन खोलने को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने चौपाल में जो है वो एक फायर पोस्ट है जिला शिमला में, एक सिरमौर के शिराई में है और एक लाहौल स्पीति के किलोंग में है, इन सबको अपग्रेड करके फायर सब स्टेशन जो है वो बना दिया है, उसको मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 129 नए पद जो हैं वो सृजित किए हैं और साथ ही साथ 16 गाड़ियों जो है वो उसको भी मंजूरी प्रदान की है इन फायर पोस्ट और फायर सब स्टेशन। मंत्रिमंडल ने जो है वो हाई स्कूल बरोट जो फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में है कांगड़ा में, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वो सकरयार जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में है मंडी जिला में, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुलखर जो सरका घाट जो क्षेत्र है मंडी जिला का उसमें है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंडी खदाना जो पछाद विधानसभा क्षेत्र में है सिरमौर में, इनको जो है वो अपग्रेड करके हाई स्कूल में जो है वो परिवर्तित कर दिया है। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ददीक डिंगरी जो पछाद क्षेत्र में है सिरमौर जिला में,
इसको जो है वो अपग्रेड करके मिडिल स्कूल में जो है परिवर्तित कर दिया है और इन सबके लिए जो है 20 नए पद भी सृजित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स पलाही धार और घनीत जो मैं इनको जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है जो मंडी जिला में है और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कंधी टीली मंडी जिला में इसको जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपग्रेड कर दिया है और इसके लिए 11 पद जो है वो भी सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो बड़ी में जो म्युनिसिपल काउंसिल सुंदरनगर के अंतर्गत आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो है नई वेटरनरी डिस्पेंसरी खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए जो है वो 2 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी थाची जो है बाली चौकी तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसे वेटरनरी हॉस्पिटल में जो है वो अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 3 पद जो है वो उनको भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने नया पटवार सर्कल नुरहाग जो थुनाग तहसील में है मंडी जिला में उसको भी जो है वो सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। जो पटवार सर्कल जो है वो शिकवाड़ी और कंडी को जो है वो रिस्ट्रक्चर करके जो है बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जो है वो परमाणु के टकसाल जगह पर 16 जिला में रेलवे पुलिस का जो है वो आउटपोस्ट जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। ये आउटपोस्ट पहले यहां पर काम करती थी लेकिन फिर कुछ कारणों से ये बंद हो गई थी। अब इसे पुणे जो है वो खोल दिया गया है। ये रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत आता है जो ये पुलिस आउटपोस्ट है ताकि उस एरिया के जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उनको जो है वो टैकल किया जा सके खास करके रेलवे ट्रैक्स इत्यादि के ऊपर। मंत्रिमंडल ने एक नया जो है वो सर्कल एससी का दफ्तर जल शक्ति विभाग में खोलने को मंजूरी प्रदान की है जो धर्मपुर में मंडी जिला में खोला जाएगा। जल शक्ति विभाग का एससी मंत्रिमंडल ने जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है चंडी कांगड़ा जिला में इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या में जो 6 बिस्तरों वाला जो वहां पर हॉस्पिटल है उसको 50 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 27 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं उनको भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने 16 जिला के दारला घाट में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ साथ 8 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं उनको सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। ये निर्णय थे। इसके अतिरिक्त कुछ विषयों पर जो है वो मंत्रिमंडल ने
चर्चा भी की है, उन पर जो है वो सकारात्मक जो है वो निर्णय लिया जा सके। चर्चा के उपरांत जो है वो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उसके कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके लाएं, स्टडी करें, और जिनमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अध्यापकों को यूजीसी पे स्केल देने का मामला भी है। इसी प्रकार से जो है वो जेओआईटी के जो अलग अलग विषय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि में जो है पड़े हैं, उस विषय पर भी जो है वो चर्चा की है, और चर्चा के बाद विभाग को उस पर जो है वो चर्चा के अनुरूप कैबिनेट में जो है विषय लाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से जो रेजन फैक्ट्रीज थी उसके कर्मचारी जो पहले सरकार में थे फिर कॉरपोरेशन में आए, उनकी पेंशन से संबंधित जो है विषय था, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज का भी विषय था, उस पर भी चर्चा हुई है और अधिकारियों को इस पर जो है वो डिस्कस करके जो है वो डेलीबेट करके इंटर डिपार्टमेंटल जो मंजूरियां लेनी है उसको लेकर के जो है वो फॉर्मल तरीके से जो है वो लाने के लिए कहा गया है। ये इनफॉर्मली कुछ विषय जो है इस बार मंत्रिमंडल में चर्चा में जो है वो अधिसूचित थे, उस पर भी चर्चा हुई है। निर्णय जो हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपका धन्यवाद। सर, एनटीटी भर्तियों और राइडर पे हुई चर्चा, जो चर्चाएं हुई है मैंने बता दी हैं। ये सरकार कैबिनेट के विषय नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जो है डिपार्टमेंट ने भी करना होता है, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक कुछ चीजों में जो है वो मंत्री को अधिकार होता है, किसी में जो है वो मुख्यमंत्री को होता है, कहीं सेक्रेटरी को होता है, तो इस ये विषय चर्चा में नहीं है। कैबिनेट में चर्चा करने का उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो कोर्ट का एक निर्णय है, साथ ही जो है वो इलेक्शन कमीशन है, उसमें विषय आएगा। अगर कोई इसमें कोई और विषय होगा तो उस पर जो है वो आपको बताएंगे। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं कराना चाहते हैं वो कोर्ट में जाके इसको डिले करवाते रहे अभी तक भी। जी, उनसे पूछिए आप कि क्यों गए। जी।